वन वेलकम टू करन क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर विच इज योर लेक्चर नंबर फोर्टीन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा यूनिट टू का फर्स्ट चैप्टर जेंडर इन एंड इश्यूज उसका पार्ट टू पार्ट वन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मेरी चैनल पर आपको एक प्ले मिल जाएगा जेके एस एस बी सुपरवाइजर नाम से सुपरवाइजर एग्जाम तो वहाँ पे जाके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं इनकेस यू वांट फ्री पीडीएफ ऑफ माय लेक्चर्स एंड फ्री टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा वहाँ पर मैंने यूनिट सिक्स की जो स्कीम्स वाला पार्ट है आपका उसका भी पार्ट वन अपलोड किया हुआ है उसका पी तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा अगर आप जो भी पी डी मैं अपलोड करती हूँ वो साथ साथ देखते जाएंगे और उनको रिवाइज भी करते रहेंगे तो डू सब्सक्राइब टू तो माई चैनल ठीक है अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इस एग्जाम को लेके तो आप मुझे मेल कर सकते हैं करण क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम पे तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो ये जो स्टार्टिंग uh, है बेसिकली आपका क्लियर हो गया था यहाँ तक हमने कर लिया था ठीक है ये भी हो गया था जेंडर गैप हाँ यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो डू स्टे टिल द एंड क्योंकि इसमें हम थर्ड जेंडर को काफी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट बनता है ट्रांसजेंडर्स वाला सारा कॉन्सेप्ट इन टर्म्स डिफरेंट टर्म्स के मीनिंग्स ठीक है एंड गवर्नमेंट ने क्या क्या उनके लिए एक्ट लेके आए हैं एंड क्या बेनिफिट्स लेके आए हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान से आप ये लेक्चर सुने पहले टर्म फेमिनिनिटी एंड मेस्कुलिनिटी देखते हैं फेमिनिटी किससे रिलेटेड होता है जब आप में कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फीमेल के एंड मेस्कुलिनिटी इज अ टर्म रिलेटेड टू यूर मेल्स मेन एंड बॉयज ठीक है मेन एंड बॉयज तो ये तो आपको नाम से क्लियर होगा फेमिनिटी एंड मेस्कुलिनिटी क्या होता है मेल, ये मेल से रिलेटेड होता है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दिस इज फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स अब ये क्यों मैंने इंक्लूड किया इस स्लाइड में इस वीडियो में मैंने क्यों ये टर्म्स इंक्लूड की क्योंकि आपके लिए ये जानना ज़रूरी है जो ये दो टर्म्स हैं ये सेक्स कैटेगराइजेशन नहीं है ये जेंडर कैटेगराइजेशन है दैट मीन्स ये बायोलॉजिकली हम फेमिनटी मेस्क्यूलिनिटी यूज़ नहीं करते हैं ये जो दोनों टर्म्स है इनका रूट आपको सोसाइटी से मिलेगा ये सोसाइटी की दी हुई टर्म्स है आपको ना कि नेचर की और ना कि बायोलॉजिकल डिफरेंस की ठीक है तो ये आप याद रख लेना माइग्रेट मीट जो है ही वॉज शी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एम्पेरिकली ग्राउंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द बायोलॉजिकल एंड द सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन तो ये नाम भी आप याद रखोगे प्लस इसमें और एक नाम जो मैंने आपको लास्ट में कहा लास्ट लेक्चर में कहा था एन ओकली इन्होंने क्या कहा था जो जेंडर है इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट और जेंडर एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस ये हमने कल काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया है अगर आपने अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो वीडियो पहले देखें आपको जेंडर क्या होता है ये सारा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अब हमें काफ़ी टाइप्स ऑफ जेंडर इनक्वालिटी देखने को मिलती है सोसाइटी में आपको इनईक्वालिटी फैमिली में देखने को मिलेगी पहले ही जो आपको हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इन देखने को मिलती है ठीक है बेसिक सी बात है ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है नेटेलिटी इनइक्वालिटी ये कौन सी टाइप की इनक्वालिटी है जो आप न्यूनेट्स में ही देखते हो न्यूनेट कौन होते हैं जो बच्चे पैदा होते हैं जीरो टू ट्वेंटी एट डेज तक के फोर वीक्स कहीं कहीं पे इनको एट वीक्स तक भी कंसिडर किया जाता है दैट मीन्स योर टू मंथ्स तक भी पर मेडिकली uh, हम जीरो टू एट डेज वाले बच्चों को क्या बोलते हैं न्यू उसके बाद कौन से आते हैं आपके इन्फेंट्स अप टू फर्स्ट ईयर एंड उसके बाद आपका टोडलर स्टार्ट हो जाता है ठीक है थ्री ईयर्स तक वन टू थ्री एंड देन योर प्री स्कूलर्स ठीक है तो ये थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अब न्यूनेट्स में भी इनिकवालिटी होती है अब आप बोलोगे कैसे अगर आप देखोगे कि कितने बच्चे सरवाइव करते हैं उसका डेटा अगर आप देखोगे तो मेल्स कितने करते हैं और फीमेल न्यूनेट्स कितने सरवाइव करते हैं अगर हेल्थ कंडीशन किसी में आ जाए तो किसकी हेल्थ पे आप ज़्यादा ध्यान देते हो मेल चाइल्ड की मेल बेबी की ठीक है तो एक इन्फीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी नियोनेट से ही शुरू हो जाती है सोसाइटी में ये बेसिकली इसके बोलने का मतलब है कि नेटेलिटी इनक्वालिटी हो इनक्वालिटी होता क्या है कि जब बच्चा नियोनेट होता है वहाँ से ही उसके उसके साथ इन्फीरियोरिटी वाला वो सारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है और बच्चों को लड़कों को क्या कंसिडर किया जाता है सुपीरियर एज कंपेयर टू ईयर जो आपके फीमेल बेबीज होती हैं प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटी जो आप वर्क प्लेस में देखते हो ठीक ओनरशिप इन इक्वालिटी जैसे पहले था हिंदू सक्सेशन एक्ट जो आपका था ठीक है उसमें क्या था जो कॉपरसिनरी हमने पहले भी डिस्कस किया है कॉपरसनरी वाला रूल कॉपरसनरी होता है वो राइट जो लड़के को बाय बर्थ मिल मिलता है उसके एनसिस्टर प्रॉपर्टी का वो बाय बर्थ वाला राइट होता है तो वो इसमें पहले इंक्लूडेड नहीं था दैट मीन्स लड़का अगर डिमांड करे कि प्रॉपर्टी डिवाइड करो ठीक है मेरे एनसेस्टर प्रॉपर्टी डिवाइड करो तो वो कर सकता है क्योंकि उसको कॉपरसनर समझा जाता था लेकिन इस फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट को टू में अमेंड किया गया और फीमेल्स को भी एज कॉपरेशनर जो है वो ऐड किया गया ठीक है इसका डिटेल वीडियो आपको फैमिली मैरिज किनशिप वाले लेक्चर में मिल जाएगा वो आप देख सकते हैं अब ओनरशिप इनइलिटी का क्या मतलब है कितने ही जब प्रॉपर्टी डिविजन्स होते हैं ऐसे प्रोविजन लीगल प्रोविजन बनने के बावजूद भी कितनी फैमिलीज में अभी भी ये प्रॉब्लम है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है ठीक है तो ओनरशिप यूजुअली किसी का घर गाड़ी बिजनेस सारा हस्बैंड के नाम पे होता है मेल मेंबर के नाम पे होता है ठीक है ये भी एक ओनरशिप इनक्वालिटी डिपेक्ट करता है इस वजह से क्या किया गया टैक्सेस जो है कम पे करने पड़ते हैं अगर वुमेन के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो इस वजह से जमीनें वगैरह आजकल जो खरीद रहे हैं वो यूजुअली अपने वाइफ्स के नाम पे खरीदते हैं ताकि उनको टैक्स थोड़ा सा कम पे करना पड़े हाउस होल्ड इन इक्वालिटी अगेन आपकी फैमिली वाली इनक्वालिटी है जो आप अपने मदर एंड फादर उनके कंडक्ट में देखते हो वहाँ से ही इन इक्वालिटी स्टार्ट हो जाती है मामा और पापा में तो अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट स्टार्ट करनी है आपको वो अपनी फैमिली से करनी होगी अगर किसी के घर में उसकी मामा की बात नहीं सुनी जाती है तो वो सोसाइटी में वुमेन एम्पावरमेंट नहीं आ सकती है तब तक जब तक फैमिली यूनिट में आप एम्पावरमेंट की बात ना करो तो इसीलिए एम्पावरमेंट जो है वो बेसिक यूनिट कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए आपकी फैमिली से ही तो ये कुछ टाइप्स ऑफ जेंडर इन हैं जो डेली बेसिस पे हमें फेस करने पड़ते हैं और हम देखते हैं जेंडर इश्यूज ठीक है अभी तक का हो गया जेंडर इनक्वालिटी अब जेंडर इश्यूज देखते हैं इसमें हम कुछ लीगल प्रोविजन डिस्कस करेंगे ठीक है जो इंडिया की लीगल प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड सर्टन आर्टिकल्स इन चीजों को लेके आन टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर हम क्या करेंगे थर्ड जेंडर को हमें इन डिटेल डिस्कस करना है ठीक है तो जेंडर इश्यूज क्या होता है बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स जो हैं है डिफरेंट जेंडर्स को फेस करने पड़ते हैं ठीक है उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टर्म से जेंडर इश्यू तो ये इसको डिफाइन किया जाता है सोशोलॉजी में एज द समेशन ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स जो भी इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ्स को इंक्लूडिंग मेन वुमेन एंड इवन ट्रांसजेंडर जो भी मेन वुमेन ट्रांसजेंडर डेली बेसिस पे चीजें फेस करते हैं उन सब के लिए कलेक्टिव टर्म है जेंडर कि वो वो जेंडर्स जो हैं क्या-क्या चीजें फेस करते हैं वो मेन भी काफी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में वुमेन तो करती ही हैं एंड ट्रांसजेंडर तो सबसे ज्यादा ही आईगेस करते हैं तो उन सब टर्म्स को आप जेंडर इशूज बोल सकते हो अब क्या क्या जेंडर इशूज हैं अनईक्वल एजुकेशन आप देख लो टेंथ तक देख लो या ट्वेल्थ तक देख लो क्लास का रोल कैसा होता है फीमेल्स का ऑलमोस्ट इक्वल या मोर देन मेल्स आपको मिलेंगी बॉयज़ फिर आप प्रोफेशनल कॉलेजेस में देखो वहाँ पे अगर आप रेशियो देखोगे तो मेल्स का या बॉयज़ बोल लो उनका काफ़ी ज़्यादा होता है एज कंपेयर योर फीमेल स्टूडेंट्स तो इसका क्या मतलब हुआ एक इनक्वालिटी है एजुकेशन में दैट मीन्स ठीक है ट्वेल्थ तक तो आपने उनको पढ़ाया उसके बाद आप उनकी शादी की बातें स्टार्ट करना शुरू हो जाते हो ठीक है और जो रेशियो है आपको फिर हायर एजुकेशन में या प्रोफेशनल एजुकेशन में टेक्निकल एजुकेशन में वो काफ़ी जो है देखने को मिलता है टिल्टेड टुवर्ड्स मेल्स क्योंकि क्लास रोल में हाल ये हार्डली कोई आपको फिफ्टी में से पाँच या दस लड़कियां देखने को मिलेंगी और बाकी सारे लड़के होते हैं तो अनईक्वल एजुकेशन यहाँ पर आपको जेंडर इनक्वालिटी देखने को मिलती है चाइल्ड सेक्स रेशियो चाइल्ड सेक्स रेशियो होता है बच्चों में आ, क्या है फीमेल्स कितनी है मेल्स कितनी है इसको डिफाइन करते हैं बाय नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल्स ठीक है अगर हम सेंसस देखें 2011 का अब देखो डेटा जो है अभी हमें 2011 का सेंसस ही देखना है क्योंकि टेन इयर्स के बाद सेंसस रिपीट होता है 2021 कोविड का टाइम था तो अभी तक सेंसस जो है वो नहीं बना है तो इसलिए हमारे पास अभी सिर्फ 2011 का डेटा है गवर्नमेंट का सेंसस का जेंडर रेशियो क्या था नाइन फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स ठीक है दैट मीनस जरा नाइन फोर्टी नाइन और इस नाइन फोर्टी थ्री पर थाउजेंड में रूरल में हमारे पास नाइन फोर्टी नाइन मेल्स टू थाउजेंड मेन है एंड अर्बन एरियाज में नाइन ट्वेंटी नाइन फीमेल्स टू थाउजेंड मेल्स हैं ठीक है थीके? ये कुछ थोड़ा करंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड और जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इंडिया का टू थाउजेंड इलेवन में वो था नाइन हंड्रेड नाइन फीमेल्स पर थाउजेंड मेल्स एंड जे एंड के का ये याद रख लेना एट सिक्सटी टू पर थाउजेंड मेल्स ठीक है ये डेटा जो है ये गवर्नमेंट वेबसाइट से लिया गया है इसीलिए ये एक्यूरेट डेटा है जो गवर्नमेंट ने आपको दिया था सेकेंड वन इज थर्ड वन इज योर अनईक्वल पे ठीक है अनिकवल पे क्या होता है कि जो मेल्स होती हैं मेल्स होते हैं उनको ज्यादा सैलरी मिलती है एज कम्पेयर टू योर फीमेल्स ठीक है और ये काफी डिपार्टमेंट्स में मॉडर्न डिपार्टमेंट्स में भी देखने को मिला है इवन बॉलीवुड में भी ये बात काफी उठी थी कि जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं उनकी फीस काफी ज्यादा है अगर वो फिफ्टी सिक्सटी करोड़ चार्ज करते हैं तो उसके कंपैरिजन में फीमेल्स को हार्डली टेन ट्वेल्व करोड़ तक जो लीड एक्ट्रेस होती है मिलता है ठीक है तो ये जो पे डिस्पैरिटी है ये जो पे गैप है ये आपको बिटवीन मेल्स एंड फीमेल ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट में हर एरिया में आपको मिलेगी हर फील्ड में तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन uh, में कौन से आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकोगनाइज किया है प्रिंसिपल की इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क अगर इक्वल काम कर रहे हैं उनको इक्वल पे दे दो एंड राइट टू वर्क थ्रू आर्टिकल्स थर्टी नाइन डी एंड आर्टिकल फोर्टी वन ठीक है ये दो आर्टिकल्स आपके अनईक्वल पे से रिलेटेड है ये याद रख लेना फोर्थ वन इज योर रेसिज्म अब देखो रेसिज्म क्या होता है ये वो वाली थ्योरी है जो बताती है एक रेस सुपीरियर है दूसरी रेस से ऑन द बेस ऑफ एट्रीब्यूट लाइक कास्ट क्रीड एथनिसरिजन फॉर एग्जाम्पल जो व्हाइट्स होते हैं उनको कंसिडर किया जाता है सुपीरियर देन योर ब्लैक्स अब जो व्हाइट कम्युनिटी के लोग हैं उनकी लाइफ अलग होगी एज कम्पेयर टू ब्लैक ठीक है अब व्हाइट कम्युनिटी में ही हम देखते हैं जो फीमेल्स होंगी उनकी लाइफ अलग होगी एज कम्पेयर टू मेल्स क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां भी कहीं ना कहीं होती है ठीक है अब आप देख लो एक वाइट फीमेल जो है उनकी लाइफ डिफरेंट होती है देन मेल से अब आप सोचो एक कम्युनिटी जहां पे फीमेल जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट हो रही है प्लस अगर कोई ब्लैक वुमन है वो रहती है किसी वेस्टर्न वर्ल्ड में ठीक है वेस्टर्न वर्ल्ड में रहती है वो तो उनकी जो लाइफ है वो कितनी डिफरेंट होगी वहां की किसी वाइट वुमन के कंपेरिजन में तो यहाँ पे रेस वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया प्लस जेंडर वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया ठीक है तो इसको बोला जाता है जेंडर रेसिज्म और एक कॉइन किया था फिलोमिया एसिड ने फाइन तो जेंडर से रिलेटेड है इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है अब हम कुछ ये देखते हैं आर्टिकल्स आर्टिकल फिफ्टीन आर्टिकल वन सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये आर्टिकल है सेज दैट देर शुड भी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ दैट मीन्स आप सेक्स के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो तो ये आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी बोला हुआ है ऑल तो ये ऑन पेपर है ग्राउंड लेवल पे तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है बट यू शुड रिमेंबर दीज आर्टिकल्स एक तो आपके पॉलिटी वाला कॉम्पोनेंट में भी आता है सेकंड जेंडर रिलेटेड भी चीजें हैं फिफ्थ वन इज जो सेक्शुअल हरासमेंट ठीक है जेंडर इन इक्वालिटी जो फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है उसके लिए आपका आर्टिकल फोर्टीन एंड आर्टिकल ट्वेंटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूज होता है आर्टिकल फोर्टीन आता है आपका राइट टू इक्वालिटी के जितने सारे जेंडर सब है सब इक्वल है राइट टू ट्वेंटी वन हुआ आपका राइट टू लाइफ तो राइट टू लाइफ के अंदर आता है कि वुमेन के लिए या बाकी सब जेंडर्स के लिए दे राइट दे हैवे राइट टू लिव राइट टू लाइफ विद डिग्निटी

हेल्थ वाइज भी जो वुमेन है उनकी हाई मॉर्टेलिटी रेट्स होती हैं पर्टिकुलरली चाइल्डहुड में जैसे मैंने एक न्यू नेटेल भी कहा वहाँ पे भी इनईक्वालिटी हो रही है ठीक है जिसको नेटेलिटी इनइक्वालिटी बोला जाता है देन उसके बाद उनके चाइल्डहुड उनकी उनके एडल्टुड में वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन होती है उनकी हेल्थ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता जिनको जितना मेल चाइल्ड पर दिया जाता है इस वजह से वुमेन की जो मोर्टेलिटी रेट है वो हाई रहती है पर्टिकुलरली चाइल्डहुड में आन, उनके प्रोडक्टिव ईयर्स में ठीक है द हेल्थ ऑफ इंडियन वुमेन इज इंटेंसिकली रिलेटेड टू दियर स्टेटस इन द सोसाइटी द वुमेन इन इंडिया बिलोंग टू वेरियस सोशो इकनोिककग्राउंड एंड आर समाइम्स मार्जिनलाइज और निगलेक्टेड वन इट कम्स टू द बेसिक हेल्थ केयर बेसिक हेल्थ केर उनको नहीं मिलता है इस वजह से उनकी काफी प्रॉब्लम्स होती है आप खुद ही देख लो आपने देखा भी होगा अपनी सोसाइटी में जैसे जो फीमेल्स होती हैं मदर्स होती हैं वो यूजली अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाती टाइम पे क्योंकि उनको लगता है सारा घर तो मेरे पर डिपेंड करता है अगर अब मैं बैठगी तो फिर घर कौन संभालेगा ये काम कौन करेगा पर उसके कंपैरिजन में जो मेल मेंबर होता है घर का अगर वो बीमार होता है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना उनकी हेल्प करने के लिए एंड देन जो आपकी मामा होती हैं सिस्टर होती हैं वो भी बोलते हैं उनको कि नहीं आपको ट्रीटमेंट कराना काफी जरूरी है एंड ऑल दैट लेकिन जब खुद की उनकी बात आती है तो वो सोचती है फिर घर कौन संभालेगा तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन तो मेरे कहने का बेसिकली मतलब क्या है ये आपके अंदर इतना आ गया है कि अगर वुमेन अपने लिए ही वॉइस रेज करें या अपने लिए ही चीजें डिमांड करें कि नहीं पहले मुझे अपना ध्यान रखना है फिर मेरी फैमिली है एटलीस्ट अपनी हेल्थ कम मेरी हेल्थ मेरी प्योरिटी होनी चाहिए ये सारी चीज़ें फीमेल के दिमाग में नहीं आती है क्योंकि सोशलाइजेशन ही हमारी उस तरीके की हुई है वॉयलेंस फेस करनी पड़ती है वुमेन को इन अबाउट थर्टी फाइव परसेंट ऑफ द वुमेन जो है ग्लोबली इन दियर लाइफ टाइम वो फेस करती हैं एंड टेन थाउजेंड वुमेन में से ट्वेंटी सिक्स परसेंट आर रिपोर्टेड टू हैव एक्सपीरियंसड फिजिकल वॉयलेंस फ्रॉम स्पाउसेज ड्यूरिंग देर लाइफ टाइम इतना किया हुआ है दैट मीन्स दस हज़ार में से

आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द इक्वल स्टेटस और इक्वालिटी बिफोर लॉ तो इसमें क्या आ गया सारे जेंडर्स इसमें आ गए आर्टिकल फिफ्टीन प्रोहिबिट करता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ पे दिस आर्टिकल के नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन दैट मीन्स वुमेन एंड चिल्ड्रेन को दिया जाता है प्रोविजन जिसको बोलते हैं पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन दैट मीन्स गवर्नमेंट अगर चाहे वो डिस्क्रिमिनेट कर सकती है अगर देखो कैसे डिस्क्रिमिनेशन अगर आ, जब आप यूपीएससी का फॉर्म भरते हो तो आपको जो गर्ल्स को फॉर्म भरना होता है वो फ्री होता है ठीक है आई एस का फॉर्म एज कम्पेयर टू मेल्स तो गवर्नमेंट ने रूल लाया है तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हुई बॉयज के साथ लेकिन ये अपलिफ्टमेंट ऑफ गर्ल्स की है क्योंकि गर्ल्स इतना आगे नहीं आती एजुकेशन में इतना ज्यादा नहीं इन्वॉल्व होती हैं तो इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं या बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन लेके आते हो तो वो बच्चों के साथ और बड़ों के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ कि जो यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनका डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो लेकिन दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्योंकि ओवरऑल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए किया जाता है आर्टिकल 16 स्टेट्स दैट देयर शैल बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस तो जॉब से रिलेटेड है आपके जॉब्स में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर तो ये लॉ बना हुआ है एक्ट ये आपका आर्टिकल सिक्सटीन कहता है लेकिन फॉलो कितना होता है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टूगेदर आर्टिकल थर्टी स्टेट शिल मेक श्योर दैट वुमेन एंड मैन हैव एन इक्वल राइट टू एडुकेट लाइवलीहुड तो यहां पे भी जेंडर डिफरेंस को हटाया गया इन मैटर ऑफ लाइवलीहुड की दोनों को इक्वल राइट right है आर्टिकल फोर्टी टू स्टेट दैट द स्टेट शिल सिक्योर ह्यूमेन कंडीशन दैट मीन जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन होनी चाहिए फॉर वर्क ठीक है और मेटर्नि रिलीफ मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू आर्टिकल फोर्टी टू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो मेटर्निटी रिलीफ किन को मिलना चाहिए वुमेन को मिलता है कि, आ, कि आपके फर्स्ट बेबी के टाइम पे एंड सेकंड बेबी के टाइम पे वो सारा पार्ट हमने स्कीम्स में कवर किया हुआ है ठीक है अब तो पेटर्निटी लीव की भी बात होती है मेटर्निटी रिलीफ तो पुराना कॉन्सेप्ट होने लग गया है अब नेक्स्ट देखते हैं हम और जेंडर रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने की हैं लिव इन रिलेशनशिप इट अनदर एग्जाम्पल वेयर जुडिशरी प्रोग्रेशन कि अपना प्रोग्रेसिविवि माइंड सेट दिखा है जुडिशरी रि, रिलेशनशिप मीस से जहाँ पे लड़का लड़की साथ में रहते हैं विदाउट मैरिज जनवरी में 2008 में आपके सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया लॉन्ग लिव इन रिलेशनशिप एज अ मैरिज एंड चिल्ड्रन अगर वहां से हुए उनको आप इनलेजिटिमेट नहीं बोलोगे वो लेजिटिमेट कंसिडर किए जाते हैं अगर लिविन में कोई रहता है उसके बाद कोई बच्चा पैदा हो जाता है वो बच्चा जो होगा वो लेजिटिमेट होगा वो नाजायज नहीं होगा एज पर जुडिशरी स्टेटमेंट ठीक है वो इलेजिटिट नहीं होगा वो लेजिटिमेट होगा मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट ठीक है फीमेल्स के लिए वो जेंडर इनक्वालिटी को हटाने के लिए एंड जेंडर इश्यूज को एड्रेस करने के लिए इसको अमेंड किया गया था दो हजार सत्रह में टू तो दू uh, तो, दी बेनिफिट एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन एंड अमेंडमेंट वॉज मेड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन इस एक्ट के अकॉर्डिंग पेड मेटर्निटी लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉज विद लेस देन टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन फ्रॉम ओरिजिनल ट्वेल्व वीक्स से एक्सटेंड किया गया था ट्वेंटी सिक्स वीक्स तक ठीक एंड अगर इनकेस कोई बच्चा एडॉप्ट करता है तो उस केस में भी उसको क्या मिलती है ट्वेल्व वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीविंग चाइल्ड एंड ऑल्सो अलाउड मदर्स टू वर्क फ्रॉम होम अगर उनके जो uh, जहाँ पे वो काम करती है अगर वहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो वो अवेल कर सकती है वर्क फ्रॉम होम अगर उन्होंने बेबी अडॉप्ट किया है बिलो द एज ऑफ थ्री मंथ प्लस उनको ट्वेल्व वीक्स मेटर्निटी लीव भी मिलती है स्पेशल मैरिज एक्ट इसमें इंटर रिलिजन मैरिज जो है उसको प्रमोट किया गया था ठीक है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट डाउरी को प्रोहिबिट किया गया था और यहाँ पे कुछ पनिशमेंट्स अभी मेंशन की गई हैं वो भी आप याद कर लेना हिंदू सक्सेशन एक्ट ये हमने पहले भी फैमिली मैरिज वगैरह चैप्टर में इन डिटेल पढ़ा हुआ है कि वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं ठीक है तो ये कुछ जेंडर इनइॉलिटीज थे एंड जेंडर इश्यूज थे आपके फीमेल्स को लेके क्या क्या इश्यूज हैं और गवर्नमेंट ने बाद में इसमें क्या क्या चेंजेस लाई अब देखो जो न, ये जो जेंडर चैप्टर है ना ये काफी बड़ा चैप्टर है इसमें आप क्या क्या लिखोगे इसमें आप बहुत कुछ इंक्लूड कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन इसके पीडीएफ सर्च करने जाओगे तो यूल गेट एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है एग्जाम तो आपको वैसे पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो कोई भी टॉपिक पढ़ो किसी भी टीचर से पढ़ो आप खुद ये लॉजिक अप्लाई करो जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये मेरे एग्जाम में इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है क्या क्वेश्चन आ सकता है ठीक है आप अब वो आपको सिंपली वहां पे एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे ये डेफिनेशन किसका है ये डेफिनेशन किसका है सोशोलॉजी so, का कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी होता है वहां पे चाहे हंड्रेड या वन फिफ्टी क्वेश्चन भी सोशलॉजी के हों हार्डली फाइव क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डेफिनेशन बेस्ड होंगे और ये मैं हाई लेवल एग्जाम्स की बात कर रही हूँ और आपका एग्जाम जहाँ पे सिर्फ सिक्सटी मार्क्स है इस कॉम्पोनेंट के वहां पे कितनी वो डेफिनेशन आपको पूछ लेंगे और अगर आप मेमोराइज करने जाओगे तो कितनी ज्यादा डेफिनेशन आपको याद करनी होंगी तो डेफिनेशन के ट्रैप में नहीं पढ़ना उस तरीके से आपको टॉपिक पढ़ना है जिस तरीके से आपके वहां से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हों एंड देन आप वो जो क्वेश्चंस है वो सही अटेम्प्ट कर पाओ अब जेंडर इनक्वालिटी है अब जेंडर इशू सबसे जो हमारा हमेशा रहता है सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू और उसका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका ट्रांसजेंडर अब आप ये प्लीज आप जरूरी एंड तक ये लेक्चर देखना क्योंकि काफी टर्म्स जो है इसकी आपको क्लियर हो जाएंगी ट्रांसजेंडर रिलेटेड तो डब्ल्यू एच ओ के अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर होता क्या है ये एक अम्ब्रेला टर्म है दैट इसके अंदर और भी काफी टर्म्स आएंगी जो इंक्लूड करता है हुज जेंडर सेंस ऑफ जेंडर जेंडर नॉट मैच विद द असाइन टू देम एट बर्थ फॉर एग्जाम्पल कोई मेल पैदा होता है लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसको लगता है कि नहीं मैं मेल नहीं हूं आई हैव असाइंड रॉन्ग जेंडर एट बर्थ मैं एक्चुअली कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ खुद को एज फीमेल ठीक है उसको हम ट्रांसजेंडर बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल पर्सन बॉर्न एज ए मेल मैन मे आइडेंटिफाई विदोजिट जेंडर एज अ वुमेन हो सकता है वो पैदा लड़का हुआ है लेकिन बाद में उसको ऐसा फील होने लगे नहीं मैं तो लड़का हूं ही नहीं मैं लड़की हूँ तो लड़की की तरफ बिहेव करने लगता है और वहीं से आपके वो टर्म्स आते हैं ट्रांस वुमेन दैट मीन्स मेल जो वुमेन की तरफ बिहेव करता है एंड इसको ऑपोजिट ट्रांसमैन फीमेल्स जो उनको लगता है कि नहीं वो एक्चुअली मैन है वो फीमेल नहीं है ठीक है तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पर्संस हु डू नॉट आइडेंटिफाई एज मेल और फीमेल बट एज अदर वो कितना था 4.004% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन तो गवर्नमेंट डेटा अगेन आपके लिए डेटा इंपॉर्टेंट होगा 2011 वाले सेंसस में ट्रांसजेंडर कितने बोले गए थे 0.04% या आप इसको इस टर्म में भी लिख सकते हो 4.8 मिलियन अराउंड जो आपके पॉपुलेशन है उसमें से 4.8 मिलियन जो है खुद को आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांसजेंडर अब हम इंडिया इंडियन कॉन्टेक्स में हमारे लिए समझना जरूरी है 2009 में डायरेक्शन दिए थे आपके इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन कौन जो आपके इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करवाते हैं वो टू ऑल प्रोविंस के अमेंड करो फॉर्मेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स और उन फॉर्म्स में एक ऑप्शन ऑफ अदर्स भी इंक्लूड करो ठीक है और इससे क्या हुआ जो ट्रांस लोग थे ट्रांस मैन एंड वुमेन उनको लगा कि वो अब खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू आइडेंटिफाई एज मेल और फीमेल मींस उनकी मर्जी है वो खुद को अगर वो मेल है लेकिन वो फीमेल आइडेंटिफाई करते हैं तो वो उस बॉक्स को टिक कर सकते हैं ठीक है तो ये सारा जो है कहां पे आया था इलेक्शन कमीशन ने 2009 में कहा था कि एक अदर्स होता है ना कि जहां पे जेंडर लिखा होता है वहां पे लिखा होता है मेल फीमेल ठीक है और उन्हें कहा था एक अदर्स वाला कॉलम ऐड करो तो जो ट्रांसजेंडर होगा वो अदर्स को टेक करेगा फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन नल्सा दैट इज नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था कि उनको जो अदर्स है उनको रिकोगनाइज करो एज थर्ड जेंडर ठीक है इस रूलिंग में जस्टिस के एस राधा कृष्णन काफी इंपॉर्टेंट नाम है इन्होंने कहा रिक्नाइज करना ऑफ ऑफ ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बोलना इज नॉट अ सोशल और मेडिकल इशू नहीं है लेकिन ह्यूमन इशू है, है। फाइन ये ये भी याद रख लेना ये किस जस्टिस ने कहा था राधा कृष्णन ने कि उनको थर्ड जेंडर बोलना एक ह्यूमन राइट इशू है अकॉर्डिंगली right 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकग्नाइज किया था ट्रांसजेंडर राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन एज मेल फीमेल और थर्ड जेंडर ठीक है ये बाद में एक्ट में इंक्लूड किया गया था ये सारी चीजें हम एक्ट में यहाँ पे जो लिखा है वो एक्ट आगे हमें पढ़ना है उसके प्रोविजन में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड द राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेंडर इट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू डिग्निटी एंड अटोनोमी अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन आपके ट्रांसजेंडर्स के साथ भी रिलेट हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका आ जाता है राइट टू लिव विद डिग्निटी ठीक है तो वो उनके लिए भी अप्लाई होता है और कौन सा वाला राइट इसका जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द जेंडर है दैट वो खुद बोलेंगे कि हम ट्रांसजेंडर हैं कोई आगे दूसरा आके नहीं बोल सकता है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए वो आप ट्रांसजेंडर हो कि नहीं गवर्नमेंट ने खुद उनको पावर दी है वो सेल्फ आइडेंटिफाई कर सकेंगे खुद को कि हम ट्रांसजेंडर्स हैं और ये किसके अंडर उन्होंने बोला आर्टिकल ट्वेंटी वन के अंडर ये पावर उनको मिलती है ट्रांसजेंडर्स को खुद आके बोलने की कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो यही मैंने आपको कहा था ये प्रोविजन हम आगे देखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया 2016 19 में 2016 में में बिल आई थी फिर 19 में इसको एक्ट बना के पास किया गया अकॉर्डिंग टू द द एक्ट ट्रांसजेंडर है अ पर्सन हुज जेंडर जेंडर नॉट मैच विद दिन टू दैट पर्सन एंड बर्थ ठीक है अगेन मैंने आपको एग्जांपल थी अगर आप मेल पैदा होते हो लेकिन आगे आपको लगता है इवेंचुअली आपको फील होता है कि नहीं मैं मेल नहीं हूं मैं फीमेल हूं तो आप खुद को आइडेंटिफाई करते हो एज अ ट्रांसजेंडर ठीक है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसजेंडर कौन होता है जो नीदर होली मेल और फीमेल हो या कॉम्बिनेशन ऑफ मेल फीमेल या ना मेल हो ना फीमेल हो ठीक है तो ये सारी कुछ डेफिनेशन है मैंने पहले भी कहा था ट्रांसजेंडर क्या है ये एक अम्ब्रेला टर्म है इसके अंडर आपको काफी और कॉन्सेप्ट और काफी और टर्म्स जो है वो देखने को मिलेंगी इन एडिशन द पर्सन जेंडर मस्ट नॉट मैच द जेंडर असाइंड एट द बर्थ ठीक है जो एक तो ये सारी चीजें होंगी नीधर होली फीमेल नॉर मेल या उसको लगेगा मैं कॉम्बिनेशन हूं दोनों का या मैं ना मेल हूं ना फीमेल हूं ठीक है तो ये सारी चीजें प्लस जो वो फील करता है वो वो जेंडर नहीं होना चाहिए जो जेंडर उसको जो जेंडर लेके वो पैदा हुआ है इसमें ट्रांस मैन ट्रांस ट्रांसविमेन पर्सन विद इंटरसेक्स वेरिएशन एंड जेंडर क्वीर्स भी आते हैं ये एक्ट के हैं तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ट्रांसजेंडर उनको नाए का ट्रांस मेन वुमेन पर्संस विद इंटरसेक्स वेरिएशंस एंड जेंडर क्वीर्स ठीक है अब आप सोचोगे इंटरसेक्स वेरिएशंस क्या होता है ये बायोलॉजिकली बेसिकली टर्म है जिसके बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो अलग होते हैं फॉर एग्जांपल कोई मेल है लेकिन वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ पैदा नहीं हुआ है वो फीमेल और मेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ पैदा हुआ है तो उनको हम इंटरसेक्स बोलते हैं ठीक है तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्रोमोसोमल एबनॉर्मेटीज की वजह से तो ये आपका बायोलॉजिकल वाला रिलेट हो जाता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकता है दोनों लेके पैदा हुए हो तो दिस इज़ रिलेटेड टू योर बायोलॉजी एंड बाकी जो है वो आपके सोसाइटी से रिलेटेड ही हैं जो आपको फील होता है जेंडर जेंडरकोइज जेंडर कोइज होते हैं इनको जेंडर न्यूट्रल या जेंडर फ्लूड भी बोला जाता है बेसिकली एक जो बाइनरी डिस्टिंक्शन बना हुआ है बाइनरी डिस्ट बाइनरी क्या होता है आपका टू तो बाइनरी डिस्टिंक्शन क्या है कि दो ही आपके पास जेंडर्स हैं मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल तो ये लोग होते हैं नॉन बाइनरी कि ये इस बाइनरी वाले डिस्टिंक्शन पे खुद को नहीं मानते ये नहीं मानते हैं कि दो ही जेंडर्स होंगे मेल एंड फीमेल हो सकता है ये मेल एंड फीमेल के कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करना शुरू कर दे फॉर एग्जांपल किस कोई लड़का मैस्कुलिनिटी के लिए वो दाढ़ी भी रख रह रहा है मेल हूँ और यहाँ से वो फुल मेकअप ईयर वगैरह वो सारी चीजें भी कर रहा है ठीक है वो जेंडर क्वीर होते हैं उनको जेंडर क्वीर बोला जाता है ठीक है जिनमें बोथ फैक्टर्स होते हैं बोथ मैस्कुलिनिटी एंड योर फेमिनिनिटी ये जो बिल है ये जो एक्ट बन गया था बाद में द एक्ट स्टेट्स दैट जो पर्सन है ट्रांसजेंडर वुड हैव द राइट टू सेल्फ परसीव जेंडर आइडेंटिटी जो मैंने हमने यहाँ पे पढ़ा कि इनको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का राइट दिया गया है अंडर आर्टिकल 21 के खुद से बोलेंगे आइडेंटिफाई करेंगे हाँ मैं हूं मैं ट्रांसजेंडर हूँ हवे इट इज नॉट प्रोवाइड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सच ए राइट डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमिटी वुड इशू अर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी टू रिक्नाइजेंडर वो एनफोर्स नहीं कर सकती है राइट को उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए जो आपको कौन देता है डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी देता है कि हाँ, पहले आप खुद को आइडेंटिफाई करोगे ठीक है बाद में उस आइडेंटिफाई की एनफोर्समेंट के लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए आप क्या करोगे डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाओगे बोलोगे मैं खुद को आइडेंटिफाई करता हूँ एज ट्रांसजेंडर अब आप मुझे वो सर्टिफिकेट दे दो यहाँ पे जेंडर क्वियर्स की डेफिनेशन है इनकेस आपको भूल जाए मैंने क्या बताया यूज बाय द इंडिविजुअल्स हु डोंट एक्सक्लूसिवली आइडेंटिफाई एज मेल और फीमेल और हु रिजेक्ट द कन्वेंशनल बाइनरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर तो आपकी जो कन्वेंशनल बाइनरी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है कि दो जेंडर्स हैं एक मेल और फीमेल ये इस आइडिया के साथ सब्सक्राइब नहीं करते हैं दे डोंट बिलीव इन दिस आइडिया कि बाइनरी डिस्टिंक्शन ही है ये कहते हैं हम मेल फीमेल के कॉम्बिनेशन है पीपल हु आइडेंटिफाई जेंडर कुएर मे सी देर जेंडर एज फ्लू इनको जेंडर न्यूट्रोलेम आप यूज करते हो इनके लिए अनकम्पेसिंग आस्पेक्ट्स ऑफ बोथ मैस्कुलटी एंड फेमिनिटी ठीक है जैसे मैंने कहा कोई दाढ़ी भी रख रहा है साथ में लिपस्टिक भी लगा रहा है एंड आपके इयर रिंग्स भी लगा रहा है एंड लहंगा पहनी लहंगा पहना हुआ है और यहाँ पे दाढ़ी रखी हुई है तो वो आपके जेंडर कुयर्स होते हैं ओवर प्रोविजन से ये प्रोविजन प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अब ट्रांसजेंडर हमारे जेंडर इंटरसेक्स वेरियश वाले ट्रांस ट्रांस मैन सारा किसके अंडर है ट्रांसजेंडर के अंडर है, है. जिससे मैंने पहले कहा था ये अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंडर आपको और सारे टर्म्स देखने को मिलेंगे तो इनको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एजुकेशन जॉब हेल्थ केयर सर्विसेज या एक्सेस टू सर्विसेज वगैरह में इनको राइट right है टू बी रिकोगनाइज एज ट्रांसजेंडर एग्जाम में आ सकता है वो राइट right, इनको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन वाला है या नहीं तो आप याद रखने लायक ये खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम क्या हैं हम ट्रांसजेंडर हैं एवरी पर्सन हैज़ हेज राइट टू बी रिकनाइज एज अ ट्रांसजेंडर एक सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी इनको कौन देता है फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हु विल इशू द सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन द डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी तो डिस्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग कमेटी के पास जाएंगे वो इनकी स्क्रीनिंग करेंगे एंड देन जो उनका डीएम होता है वहां का वो इनको आइडेंटिफाई वो उनको ये सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी दे देता है ये एक्ट बोलता है एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एनसी भी हमें इस्टेबलिश करना चाहिए राइट ऑफ रेजिडेंस नो ट्रांसजेंडर पर्सन शेल बी सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट्स और इमीडिएट फैमिली ऑन द ग्राउंड ऑफ बिंग ए ट्रांसजेंडर ऐसा होता था ना जैसे आपके किन्नर वगैरह हिज होते थे जो पैदा होते थे किसी फैमिली में तो उनकी अपनी कम्युनिटी वाले लोग आके उनको ले जाते थे पर राइट ऑफ रेजिडेंस इनको दिया गया हेल्थ केयर इनको प्रोवाइड करो ठीक है जैसे सेपरेट एच आई वी सर्विलेंस सेंटर्स सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज वगैरह किसी को करवानी होंगी वो सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड कर, कर करवानी जानी चाहिए पीनल प्रोविजन क्या क्रिमिनलाइज करता है अगर इनको ज़बरदस्ती कोई भीख मंगवाए या इनसे वो मज़दूरी बंदा मजदूरी वाला बॉन्डेड लेबर वाला काम करवाए ज़बरदस्ती डिनाई आप पब्लिक प्लेस में इनको डिनाइल करो यूज़ करना फॉर एग्जाम्पल आप इनको पब्लिक बसेस यूज़ नहीं करने दो तो, या पब्लिक जो वॉटर्स वो लगे होते हैं वाटर कूलर वगैरह वहाँ से पानी नहीं पीने दो तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे इसको ऑफेंस माना जाता है ना आपको पनिशमेंट मिलेगी डिनाइल ऑफ रेजिडेंस इन द हाउस होल्ड ठीक है कि घर वाले चाहे या विलेज बोले उनके गांव वाले या घर वाले बोले कि हम इनको यहाँ पे नहीं रखना है तो उस बात पे भी उनको पनिश किया जा सकता है क्योंकि उनके पास राइट ऑफ रेजिडेंस है फिजिकल वॉयलेंस वर्बल इमोशनल इमोशनल एंड इकोनॉमिकल अब्यूज किसी भी टाइप का अब्यूज उनको गालियाँ दो ठीक है उनको असोल्ट करो फिजिकल असोल्ट करो ये सारी चीजें अगर आप उनको तंग करोगे तो आपको गवर्नमेंट क्या करेगी पनिश करेगी आपको किसने कहा था या आपको इस एक्ट ने कहा है जो कब लाया था टू में और एक टर्म है पे आई होप क्लियर हो हो गया हो अभी तक का जो हमने पढ़ा ट्रांसजेंडर ट्रांसमैन इंटरसेक्स क्या होता है एंड आपके जेंडर क्विड्स कौन होते हैं ठीक है और एक टर्म है सिस्ट जेंडर कुछ भी नहीं है एक जेंडर आइडेंटिटी है लोग अगर फीमेल पैदा हुई है कोई वो खुद को आइडेंटिफाई भी फीमेल ही करेगी अगर कोई मेल पैदा हुआ है वो खुद को मेल ही आइडेंटिफाई करेगा ठीक है तो इनको हम सिस्ट जेंडर्स बोलते हैं लास्ट में कौन हो गया आपके एल आपने सुना होगा एल प्लस ये बेसिकली हम कम्युनिटी को ही बोलते हैं इसमें आपके ट्रांस बाइसेक्शुअल गेस लेस्बियंस वगैरह क्वीर्स सारा इसमें इंक्लूड होता है तो एक अम्ब्रेला टर्म है जो इंक्लूड करता है वेरियस सेक्सुअल ओरियंटेशन आप होमोसेक्सुअल हो, हो, हो ठीक है वो इसी में आ जाता है आपके एल जी बी टी क्यू में एंड आपकी जेंडर आइडेंटिटीज उन सब चीजों के लिए एक अम्ब्रेला टर्म है तो ट्रांस जो है आपका ये एल जी बी टी क्यू के अंडर ही आएगा ट्रांसजेंडर यह एक बड़ा टर्म है जिसके अंदर एक छोटी छोटी टर्म्स फिर मिलती है अगर आपको इसका डिफरेंस अभी तक क्लियर ना हो तो इस वजह से मैंने स्लाइड में इंक्लूड किया एग्जाम डायरेक्टली इसका रेलिवेंस नहीं है वाइल ट्रांसजेंडर स्पेसिफिकली वही होता है कि अगर आपका जो सेंस ऑफ जेंडर है वो डिफरेंट होगा देन द जेंडर यू हैव बीन असाइंड एट बर्थ आप फीमेल पैदा हो गया आपको बाद में लगेगा नहीं मैं तो लड़का हूँ These concepts are part of broader conversation and about diversity and inclusion within the realms of sexual orientation and gender identity. Both concepts, trans and your LGBT. Wale. आगे देखते हैं ट्रांसजेंडर इशू लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन लेकिन ये चेंज हो रहा है जैसे अभी हमने सारे लीगल प्रोटेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से बात आई थी इलेक्शन कमीशन ने 2009 में क्या कहा था उनके लिए एक अलग ये लेके आओ फॉर्म में अदर्स भी लिखो ट्रांस एक्शल पर्सन के लिए वहां से फिर आइडेंटिटी की बात हुई थी टू में फिर नलसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था जिससे उन्हें कहा था ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर बोलो ठीक है फिर उन्हें एक्ट लाया था टू में उनकी प्रोटेक्शन के लिए तो उसमें उन्होंने डिफाइन किया था ट्रांसजेंडर में कौन कौन से लोग आएंगे उसमें आपके ट्रांस वुमेन ट्रांस ट्रांसमैन इंटरसेक्स एंड जेंडर क्वीर्स और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये भी हमने एक्सप्लेन करी ठीक है पॉवर्टी गरीब भी होते हैं बेचारे हरासमेंट एंड सोशल स्टिगमा इनको फेस करना पड़ता है एंटी ट्रांसजेंडर वायलेंस भी काफ़ी ज़्यादा होती है इनके साथ फ़िजिकल इमोशनल सेक्शल अब्यूज़ वगैरह भी फेस करते हैं एंड बैरियर्स टू हेल्थ केयर ठीक है कितने ही हॉस्पिटल्स में आप देखते हो ट्रांसजेंडर्स को पर ऐसा हो सकता है कि क्या वो बीमार नहीं पड़ते होंगे ठीक है पर उनका कितना कम वहां पे लोग होते हैं वो एक्सेस करने के लिए वो हेल्थ केयर सर्विसेज तो ठीक है ये सारे बैरियर्स इनके लिए हैं कुछ जनरल इशूज फेस करते हैं और लीगल प्रोटेक्शन और ये सारी चीजें क्या होती हैं हमने डिस्कस करी नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे टिल द टाइम आई अपलोड न्यू वीडियो टेक केयर हैव अ ग्रेट डे